वेलकम टू फिट एंड फैशन ब्लॉग्स। एक्चुअली टुडे ब्लॉग फिटनेस ब्लॉग है। मॉर्निंग आपके लिए बहुत सारे फिटनेस के बारे में बताने वाले हैं हम। मैं और अमन, या एक्चुअली ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल सिंबल को भी एक्टिवेट कर लीजिए। एवरी वीडियो में मैं बताती हूँ, बिकॉज मैं आपको फिटनेस के बारे में, आपके वीडियोस पूरे हमारे फिटनेस के बारे में रहते हैं। आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं होना, इसलिए मैं बोलती हूँ मेरा हर एक नोटिफिकेशन आपको आना है, तो प्लीज़ आप बेल सिंबल को भी एक्टिवेट कर लीजिए। अब हम कार्डियो कर रहे हैं, इसके बारे में अमन आपको बस समझाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वाई एम्प्टी स्टमक कार्डियो, वाई फास्टेड कार्डियो। First, let me explain. There are two types of cardio. One is fasted cardio and one is fed state cardio. Fasted cardio ये होता है कि जब आप 12 घंटे की fasting करके जब आप morning में उठते हो, तो your body will be in the fasted mode में रहती है। उसके बाद जब आप 40 minutes के लिए morning cardio करते हो, तो it will hit your fat stores, जिससे कि fat stores burn होते हैं। And it will give a lot of benefit. बहुत सारे बंदे कहते हैं कि भाई फेट कार्डियो भी करो। इवन फेट कार्डियो इज़ गुड इफ़ यू डोंट हैव टाइम इन द टाइम एंड ऑल दैट, देन इवनिंग ऑफ योर वेट ट्रेनिंग यू कैन डू योर फेट कार्डियो। फेट कार्डियो इज नथिंग बट योर फीडिंग योर बॉडी, योर फीडिंग योर बेली, एंड देन यू आर डूइंग योर वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो। इट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स। बट इफ़ यू वॉन्ट टू बर्न फैट्स वेरी फास्ट, तो आप 12 घंटे की फास्टिंग करो। रात में अगर आप डिनर 10 o'clock ले रहे हो या 8 o'clock ले रहे हो, तो मॉर्निंग आपका 8 o'clock, आपका 12 घंटे आपका फास्टिंग हो जाएगी। फास्टिंग के बाद वंस यू हैव 500 ml ऑफ वाटर, आधा लीटर पानी पीने के बाद आप एक ब्लैक कॉफ़ी पीते हो, देन यू आर डूइंग 40 मिनट्स ऑफ कार्डियो। योर बॉडी विल बी इन द फैट बर्निंग जोन। उसके बाद अगर आप डाइट अपनी कंट्रोल में रखते हो, कम्प्लीटली कंट्रोल में, कैलरी डेफिसिट में रह के डाइट कंट्रोल में रखते हो, देन इट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स। एंड विद इन थ्री मंथ्स 90 days, योर बॉडी विल बी इन अ आपकी बॉडी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बहुत सारे बंदे कहते हैं नहीं होता है। गाइस, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको डेली एटलीस्ट 40 to 60 minutes, विच इज़ 1 hour, और एटलीस्ट 40 minutes ऑफ कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग। कार्डियो भी इम्पॉर्टेंट है, वेट ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। कोई बंदा बोलता है सिर्फ वेट ट्रेनिंग करो, कोई बंदे बोलते हैं कि सिर्फ कार्डियो करो, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। जब आप कार्डियो करोगे, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, आप यंग दिखोगे, एंड आप में एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे होंगे। जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे, तो आपके बॉडी में शेप आएगा। इसीलिए कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग आर बहुत इम्पॉर्टेंट। मॉर्निंग आप कार्डियो कर लीजिए, इवनिंग वेट ट्रेनिंग कर लीजिए, 3 months के बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, यू विल बी स्टन। इफ यू वांट एनी, या मन में क्या बोलते, कार्डियो कितने मिनट करना है, मतलब एज आई एक्सप्लेन, मिनिमम एटलीस्ट 40 मिनट्स, नॉट 10 मिनट्स, नॉट 15 मिनट्स। कोई बोलता है 10 मिनट्स करो, कोई बोलता है 15 मिनट्स करो, कोई बोल नहीं, नॉट 10 मिनट्स, नॉट 15 मिनट्स, नॉट 20 मिनट्स, एटलीस्ट 40 मिनट्स, एटलीस्ट 40 मिनट्स। इफ यू आर डूइंग फॉर 1 hour डेली, 7 days, इट्स गुड। कोई जिम में बोलता है कि 3 days कार्डियो करो, कोई बोलता है 2 days कार्डियो करो, नहीं, एवरी डे 7 days, नो, इसमें कोई हॉलीडे नहीं होती है कार्डियो में। वेट ट्रेनिंग में फिर भी आपको हॉलीडे मिल जाएगी, क्योंकि आपकी मसल्स रिपेयर होती हैं, ठीक है, पर कार्डियो आप डेली जो डेली अपनी डाइट लेते हो, चाहे आप दूध पी रहे हो, या चाहे कॉफ़ी पी रहे हो, आप पानी पी रहे हो, वो कम्प्लीटली कार्डियो आपको कम्प्लीटली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देगी। इसीलिए 7 days, कोई छुट्टी नहीं है इसमें गाइस। अगर आपको छुट्टी चाहिए, आप 4 दिन वेट ट्रेनिंग करिए, 4 दिन वेट ट्रेनिंग करिए, 3 दिन अपने बॉडी को रिपेयर मोड में रखिए, पर कार्डियो 7 days, 7 days 40 मिनट्स एवरी डे। इफ यू आर डूइंग 60 मिनट्स, दैट्स वेल एंड गुड। इफ यू आर डूइंग 40 मिनट्स, एटलीस्ट 40 मिनट्स यू हैव टू परफॉर्म। ओके, एंड कार्डियो मेन मॉर्निंग करने से इफेक्टिव रहेगा, नहीं तो इवनिंग वेट ट्रेनिंग के बाद? सी, बोथ कार्डियोज आर इम्पोर्टेंट। अगर कोई बोले कि प्रश्न या क्वेश्चन करता है कि भाई मॉर्निंग करें या इवनिंग करें, फर्स्ट प्रेफरेंस इज इन द मॉर्निंग। अगर आप वेट ट्रेनिंग इवनिंग करते हो, तो मॉर्निंग इज़ वेरी गुड।
एम्प्टी स्टमक इज़ वेरी गुड, वो थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा देगी। 100 में से आपको 100% बेनिफिट देगी। अगर आप इवनिंग करते हो तो वो 80% देगी। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, पर मॉर्निंग बहुत अच्छा होता है। मॉर्निंग कार्डियो एंड इवनिंग वेट ट्रेनिंग, मतलब वेट लॉस करना ही है तो कंपलसरी कार्डियो। या वेट लॉस कह लो, फैट लॉस कह लो, फैट एक्चुअली फैट लॉस कहते हैं। ओके, फैट लॉस। तो देखिए वहाँ पर फैट लॉस के लिए, सी गाइस, इट्स नॉट अबाउट फैट लॉस, वेट लॉस, ये तो होगा ही होगा, ये तो आपको पता है, साइड बेनिफिट्स इज नथिंग बट इज अ फैट लॉस एंड वेट लॉस। आप दिन ब दिन यंग दिखोगे, एनर्जी फील करोगे, फैट लॉस तो होगा ही होगा। अगर आप कार में अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो जब आप कार्डियो और वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपकी बॉडी में शेप, एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे होंगे और फैट लॉस तो नॉर्मल होगा होगा, दैट वो तो होगा ही होगा। ओके, बट डाइट इज इम्पोर्टेंट गाइस। ऐसा नहीं कि आपने एक घंटा कार्डियो किया, शाम में जाके पिज्जा पेल रहे हो, बर्गर्स पेल रहे हो। हाँ, वंस इन ए वाइल एंजॉय करना चाहिए, हर किसी को एंजॉय करना चाहिए। ओके, पर कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली 7 days कार्डियो, देन आपको 3 months में बेनिफिट्स आपको नजर आ जाएंगे। और 100% आएंगे। एंड आज हम बाहर क्यों कर रहे कार्डियो? या बाहर हम इसलिए कर रहे हैं कि हमेशा जिम में करना भी अच्छा नहीं होता है। कभी आप बाहर करिए, कभी आप पार्क्स में करिए, कभी आप अच्छे नेचर में करिए, जहाँ रोड्स बिल्कुल आपको फ्रेश हवा मिलती है। तो बॉडी को यूज तो मत होने जिम के लिए, हमेशा जिम में करना वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप 7 days आपको कार्डियो करनी है, 3 days आप जिम में करिए, 4 days आप जिम में करिए, 3 days आप बाहर करिए, तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ओके, सो गाइस आप सुन लिए ना, कितने अच्छे आपको पूरा प्रॉपर बता दिए। और भी आपको 7 days आपको क्या क्या करना है, और वेट ट्रेनिंग में भी क्या क्या करना है, डाइट कैसा लेना है, आपको कुछ भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। हर एक कमेंट के लिए हम रिप्लाई करेंगे, हर एक छोटी सी कमेंट को भी हम रिप्लाई 100% करेंगे। गाइस आप ये मत सोचिए कि हम कमेंट करें तो, आपके डाइट के लिए हम ऑलवेज रेडी रहेंगे। आपको रिप्लाई 100% आएगा, मगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो एंड से पहले मैं बोल रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ एक कमेंट करिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड हमारे फिटनेस टिप्स आपको कैसा लगा एक बार बता दीजिए। वन मोर थिंग, या गाइस, एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस व्लॉग्स एंड ऑल दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिव्या आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल माय टिप्स, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिव्या आई केम ऑन यूट्यूब। सो प्लीज़ यू नो, वॉट एवर शी इज सेइंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल, टू आवर चैनल। एंड बड़ी मुश्किल से उसने मुझे पकड़ के लाया यूट्यूब पे। ओके ओके, बिकॉज जो चीज़ मैं कर रही हूँ आप सब भी जानना चाहिए, आप सबको भी करना चाहिए, बहुत ही बेनिफिट है ना। घर में बैठ के हम यूट्यूब में बहुत सारे टाइम वेस्ट करते, मतलब टाइम वेस्ट नहीं, एंटरटेन कर लेते। एंटरटेन कितना इम्पोर्टेंट है, और अपना बॉडी को शेप में रखना, उसको मेंटेन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इतनी मेहनत करके मैं अमन को पकड़ के मेरे व्लॉग्स में लेकर आ रही हूँ, एंड हर एक वीडियो आप तक लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ। आप ये वीडियो को कुछ महसूस कर रहे नहीं, कुछ सीख रहे नहीं, एक बात तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए आपको ये वीडियो यूज़ हो रहा नहीं हो रहा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट में भी बोल रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ मत भूलिए।